ओके सो नाउ वी आर डूइंग प्रैक्टिकल फॉर एक्सेस लिस्ट व्हिच इज यूज्ड टू फिल्टर ट्रैफिक ऑन एनी इंटरफेस। ये मैंने एसएल का बस एक यूज लिखा है, एसएल के मल्टीपल यूज होते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम कौन सी एसएल का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एक्सटेंडेड एसीएल। टास्क स्टार्ट करने से पहले कुछ सवाल पूछ लेते हैं आपसे। अभिषेक, अभी मैंने ये आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर किए हुए हैं बस, और कुछ कॉन्फ़िगर नहीं है। क्या मैं R2 से R1 को पिंग कर सकता हूं? इतना समय लग रहा था, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। नहीं कर सकते वैसे और वैसे। 2 मिनट रुकना, बंद ही कर दिया। ओके तो कहां पर थे हम, सवाल पूछ रहे थे अभिषेक से। अभिषेक ने बोला कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आउटसाइड तो ये है, तो क्यों नहीं होगा रीजन? क्या नहीं, गलत है आपका आंसर। लक्ष्मण, ट्रैफिक लोअर से हायर सिक्योरिटी लेवल जा रहा है, ये था ना डिफॉल्ट बिहेवियर। सेकंड पॉइंट, एक और मौका देते हैं अभिषेक। R1 से R2 पिंग हो जाएगा, पिंग हो जाएगा। लक्ष्मण, पवन, टोपी वाले भाई, नहीं होगा, बराबरी हो गई। रोहित, नहीं होगा। विनर इज नो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा रोहित? सिक्योरिटी लेवल तो हायर है, ट्रैफिक चला तो जाएगा, लेकिन जब आएगा तो ट्रैफिक डिनाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैसा ट्रैफिक सेंड किया? आईसीएमपी, और आईसीएमपी के लिए फायरवॉल बाय डिफॉल्ट क्या नहीं होता? स्ट्रेट। राउटिंग कारण नहीं होगा, अभी रीचेबिलिटी है। आदित्य, अगर मैं R1 से R3 को टेलनेट करता हूं तो होगा? टेलनेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्यों डिफॉल्ट डिफॉल्ट का फोर्थ पॉइंट? लेकिन आप ऐसे इंटरव्यू नहीं बोल सकते ना। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर टीसीपी ट्रैफिक है तो टीसीपी ट्रैफिक जब फायरवॉल से पास होगा, ट्रैफिक पास भी हो जाएगा। पास क्यों होगा? क्योंकि ट्रैफिक हायर टू लोअर जा रहा है, और फायरवॉल क्या करेगा? मेंटेन कनेक्शन टेबल। कनेक्शन टेबल से जब ट्रैफिक वापस आएगा, कनेक्शन टेबल से मैच करेगा और चला जाएगा। याद रखना कि अगर इस इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल है, इस इंटरफेस पर कोई एसीएल है, फर्क नहीं पड़ता। कोई भी ऐसा ट्रैफिक है जो कि रिप्लाई ट्रैफिक है, कैसे, किसके लिए रिप्लाई ट्रैफिक? स्टेटफुल के लिए। रिप्लाई ट्रैफिक इज ऑलवेज अलाउड, रिप्लाई ट्रैफिक को आप रोक नहीं सकते। कैसे रिप्लाई ट्रैफिक को? जो क्या हुआ है, इंस्पेक्ट। आईसीएमपी गया तो वो तो अपने आप ही रुक जाएगा, लेकिन अगर कोई प्रोटोकॉल इंस्पेक्ट हुआ है, कोई पैकेट इंस्पेक्ट हुआ है, तो उसका रिप्लाई ट्रैफिक हमेशा जाएगा ही जाएगा। सिक्योरिटी लेवल से फर्क नहीं पड़ता, इंटरफेस पर एसीएल उससे भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अभी हम एक्सेस लिस्ट का टास्क करेंगे, कौन सी एसीएल के साथ? एक्सटेंडेड एसीएल। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि फायरवॉल पर एक्सेस लिस्ट बनाते कैसे हैं, और फायरवॉल पर एक्सेस लिस्ट को अप्लाई कैसे करते हैं। और अभी हम बात कर रहे हैं एक्सटेंडेड एसीएल की ही कर रहे हैं बात।
हाउ टू क्रिएट एन एक्सेस लिस्ट। एक्सेस लिस्ट को बनाने के लिए फायरवॉल पर कमांड होती है एक्सेस हाइफन लिस्ट। इसके बाद एक्सेस लिस्ट का क्या आता है, एक नाम, ठीक है। इसके बाद हम बताते हैं कि जो हमें ACL बनानी है उस ACL का टाइप क्या है, जैसे कि एक्सटेंडेड या फिर स्टैंडर्ड या फिर वेब टाइप। टाइम बेस्ड कोई ACL का टाइप नहीं है, टाइम बेस्ड एक टाइम रेंज है जो कि आप वेब टाइप या फिर एक्सटेंडेड ACL के साथ अप्लाई कर सकते हो। इतर टाइप राउटेड फायरवॉल में सपोर्टेड नहीं होता। तो सबसे पहले आप बताते हो ACL, ACL का नाम ये कीवर्ड है, एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड वेब टाइप ये भी क्या कीवर्ड, जिससे आप क्या बता रहे हो, टाइप ऑफ ACL। और इसके बाद आपका कमांड सिंटैक्स वो सेम ही रहता है, परमिट TCP, सोर्स IP, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन IP, डेस्टिनेशन पोर्ट। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद सबसे पहले तो आप ये बताओगे कि आपको ट्रैफिक परमिट करना है या फिर डिनाई, और उसके बाद सोर्स IP या फिर सोर्स नेटवर्क, मास्क बता सकते हो, सोर्स पोर्ट भी बता सकते हो, जो आपका नॉर्मल ACL के अंदर होता है, डेस्टिनेशन IP बता सकते हो, फिर डेस्टिनेशन पोर्ट बता सकते हो, ठीक है। अब मैं एक एज एन एग्जांपल में एक ACL आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूं, एक्सटेंडेड ACL। गेटवे का क्या काम आया ACL के अंदर, कौन पूछ रहा है? गेटवे तो राउटिंग प्रोटोकॉल में आएगा ना, नेक्स्ट होप। अच्छा, वो एक ऑब्जेक्ट होगा जिसका नाम गेटवे होगा, ऐसा कुछ होगा। कौन सी फायरवॉल पे, नाम नहीं बताएंगे। तो मान लेते हैं, मैं अभी आपको एक ACL क्रिएट करके बताता हूं जिसमें कि हम TCP का ट्रैफिक होस्ट 1.1 से 2.1 के लिए परमिट करेंगे टेलनेट का। एक्सेस लिस्ट नाम दे दिया, अगर मैं इसको इनसाइड इंटरफेस पर लगाऊंगा तो नाम दे दिया इन, आउटसाइड पर तो आउट, DMZ पर तो DMZ। फिर उसके बाद एक्सटेंडेड परमिट TCP होस्ट 1.1 टू होस्ट 2.1 EQ टेलनेट। अगर मुझे कोई ICMP ट्रैफिक परमिट करना है 1.1 से 2.1 तो एक्सेस लिस्ट इन एक्सटेंडेड परमिट ICMP होस्ट 2.1। ये जो कमांड सिंटैक्स है यहां से लेकर ये क्या है आपका, ऑलमोस्ट सेम। राउटर पे भी ऐसे ही होता है, फायरवॉल पे भी ऐसे ही होता है, बस ACL बनाने का तरीका अलग हो गया। राउटर पर क्या कीवर्ड यूज होता है, IP एक्सेस लिस्ट, ठीक है। एंड दूसरी बात क्या है, यहां पर राउटर पर एक्सेस लिस्ट होती है नंबर्ड ACL एंड नेम्ड ACL। फायरवॉल पर फायरवॉल डस नॉट सपोर्ट नंबर्ड ACL, ओनली नेम्ड ACL इज सपोर्टेड, ठीक है। जैसे होता है ना, अगर मैं किसी राउटर पर कोई ACL बनाता हूं एक्सेस लिस्ट 10, तो ये ACL अपने आप राउटर को पता चल जाता है कि कैसी ACL है। अगर मैंने बनाई 111 तो ये राउटर को अपने आप पता चल जाएगा कि ये कैसी ACL है, एक्सटेंडेड। फायरवॉल पर नंबर्ड ACL का कोई कॉन्सेप्ट
नहीं है। केवल कैसी एचएल बनती है? नाम, नेम्ड एसीएल। लेकिन मैं एक नंबर को एज ए नेम यूज कर सकता हूं, मतलब मैं एक ऐसी एसीएल क्रिएट कर सकता हूं इस तरीके से, एक्सेस लिस्ट 10 एक्सटेंडेड परमिट आईसीएमपी एनईएन। अब इसमें ये जो 10 है, इट इज एसीएल नेम नॉट नंबर, क्योंकि फायरवॉल नंबर्ड एसीएल सपोर्ट नहीं करता। और 10 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फायरवॉल इसको क्या मानेगा, स्टैंडर्ड एसीएल। 10 के साथ भी कैसी एसीएल हो सकती है? एक्सटेंडेड। सवाल पूछते हैं, एक कुछ ही नाम अभी याद हुए तो एक दो नाम और ऐड करते हैं वीडियो में, नहीं तो फिर वो वीडियो देखकर बोलेंगे यार मेरे से ना सवाल पूछे जा रहे हैं। एक्सेस लिस्ट, ये भाई आपका नाम अभिजीत अभिजीत, 111 डिनाई टीसीपी होस्ट 1.1.1 टू होस्ट 2.2.2। अगर मैंने केवल इतनी स्टेटमेंट चलाई है तो फायरवॉल इस एसीएल को स्टैंडर्ड एसीएल कंसीडर करेगा या फिर एक्सटेंडेड? केवल इतनी स्टेटमेंट मैंने चलाई है, जितना पूछा जाए उतना बताओ। अरे सवाल सही है, आप समझ नहीं पा रहे, और ये मैंने सवाल पूछा है ये समझाने के बाद, तो या तो आपका यहां पर इस टाइम पे ध्यान नहीं था, था ध्यान? तो ये अगर तुम कह रहे हो नंबर एसीएल सपोर्ट नहीं, तो ये मैंने ये कैसे बना दिए इसे? आया समझ में धनंजय? अगर मैंने एक्सेस लिस्ट 111 रखा नाम फायर वो एसीएल का, तो ये एसीएल स्टैंडर्ड होगी या फिर एक्सटेंडेड? बिल्कुल सही। आज जो भाई ऐड हुए हैं बताओ, हाँ तो ये एसीएल स्टैंडर्ड होगी या फिर एक्सटेंडेड? क्या नाम, क्या नाम को देख के फायरवॉल ये बता सकता है कि ये स्टैंडर्ड है या फिर एक्सटेंडेड? नहीं बता पाएगा, केवल नाम को देख के फायरवॉल ये नहीं बता सकता कि ये स्टैंडर्ड है या फिर एक्सटेंडेड। मैं आपको यही समझाना चाह रहा था, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया ना, सीधा सीधा पढ़ा देंगे तो ऐसे ही होगा। अगर मैंने एक एसीएल को नाम नंबर दिया, तो ये नंबर ऐसे नाम कंसिडर होगा, और इस नंबर से फायरवॉल ये डिसाइड नहीं करेगा कि ये एसीएल स्टैंडर्ड होगी या फिर एक्सटेंडेड। तो उसी तरीके से मैंने अगर यहां पर लिखा एक्सेस लिस्ट 111, तो मैंने सवाल क्या पूछा कि इस नाम से फायरवॉल कैसी एसीएल बनाएगा? नाम से फायरवॉल डिसाइड नहीं कर सकता। अगर मैं एक्सटेंडेड कीवर्ड बताऊंगा तो एक्सटेंडेड, स्टैंडर्ड बताऊंगा तो स्टैंडर्ड। इतना क्लियर आया समझ में? नंबर एसीएल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एंड दूसरी बात, क्या ये जो मैंने एसीएल अभी बनाई एक्सटेंडेड एसीएल, इसको मैं दो तरीके से बना सकता हूं। एक तो ये सिंटैक्स हो सकता है, और दूसरा सिंटैक्स हो सकता है ये। क्या डिफरेंस है? दोनों एसीएल के अंदर मैंने सेम आईपी से सेम आईपी के लिए टेलनेट ट्रैफिक परमिट किया है, दोनों एसीएल एक्सटेंडेड एसीएल है, क्या डिफरेंस है? बोर हो गए क्या? आज तो मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, आज भी तुम बोर हो रहे हो, फिर तो ये तो कुछ गड़बड़ है। क्या नहीं बताया? एक्सटेंडेड कीवर्ड। तो एक बात याद रखना, जब भी हम फायरवॉल पर कोई एसीएल बनाते हैं, फायरवॉल का टाइप स्पेसिफाई करना मैंडेटरी नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर मैं एक्सटेंडेड एसीएल बनाता हूं, तो एक्सटेंडेड एसीएल में क्या बताते हैं हम? प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन। तो अगर प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन बताया मैंने परमिट के बाद, तो फायरवॉल ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लेगा कि ये कैसी एसीएल है। अगर मैंने प्रोटोकॉल की जगह डायरेक्टली क्या बताया? आईपी, तो फायरवॉल अपने आप क्या कंसीडर कर लेगा?
फायरवॉल कैन ऑटोमेटिकली डिटरमाइन कि आपकी ACL एक्सटेंडेड है या फिर स्टैंडर्ड, किसके बेसिस पे, प्रोटोकॉल या फिर डायरेक्टली मैंने IP बताया। स्टैंडर्ड में तो डेस्टिनेशन की इंपोर्ट होती है। हाँ ये देखो ना, एक्सेस लिस्ट इन परमिट। अब मैंने यहां पर मैं TCP UDP प्रोटोकॉल बता सकता हूँ, डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, IP एड्रेस भी बता सकता हूँ। तो अगर मैं डायरेक्टली IP एड्रेस बताया होस्ट, तो ये कैसी ACL हो गई, स्टैंडर्ड। अब मेरे पास यहां पर केवल सोर्स IP बताने का ऑप्शन आएगा और कुछ नहीं आएगा। फायरवॉल अपने आप समझ गया कि परमिट के बाद अगर मैंने होस्ट कीवर्ड बताया या फिर IP बताई तो ये कैसी ACL है, स्टैंडर्ड। लेकिन अगर मैं यहां पर परमिट के बाद क्या लगा देता हूँ, TCP, तो फायरवॉल अब समझ जाएगा अपने आप कि भाई ये ACL कैसी है, एक्सटेंड। अब मैंने इस ACL के अंदर कहीं पर भी ये नहीं बताया कि ये ACL स्टैंडर्ड है या फिर एक्सटेंडेड, लेकिन अगर मैं कमांड चलाता हूँ शो रन एक्सेस लिस्ट, कीवर्ड अपने आप ऐड कर दिया फायरवॉल ने, क्योंकि ये ACL कैसी है, एक्सटेंडेड। समझ में आया, देख लो फिर, क्योंकि अभी जो टास्क होगा उसमें आपको ही बताना है कैसे क्या कंफिगर करना है। ठीक है, आपका नाम हितेश। हितेश। तो अभी हमने समझ लिया कि ACL कैसे क्रिएट करते हैं, और मैंने अभी आपको बस एक्सटेंडेड ACL बताया है। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं टास्क करने से पहले कि अगर मुझे कोई ACL को अप्लाई करना है तो ACL अप्लाई कैसे करते हैं। ACL को अप्लाई करने के लिए कमांड क्या होती है, एक्सेस ग्रुप। एक्सेस ग्रुप यहां पर ACL का नाम, फिर यहां पर डायरेक्शन बताते हैं इनबाउंड या फिर आउटबाउंड, और फिर इंटरफेस कीवर्ड आता है, और इसके बाद इंटरफेस का नेम इफ, किस इंटरफेस पर अप्लाई कर। याद होगा आपको जब हमने पढ़ा था व्हाट इज नेम इफ, नेम इफ इज जस्ट ए लॉजिकल नेम विच इज यूज टू अप्लाई एनी काइंड ऑफ पॉलिसी ऑन द इंटरफेस। तो अब जब हम ACL को अप्लाई करते हैं तो इंटरफेस के नंबर की बजाय क्या यूज कर रहे हैं, इंटरफेस का नाम। राउट अगर हम ऐड करते हैं तो राउट में इंटरफेस के नंबर की बजाय हम क्या यूज करते हैं, इंटरफेस का नाम। VPN जब कभी अप्लाई करेंगे तो इंटरफेस नंबर की जगह क्या होगा, इंटरफेस का नाम, हर जगह। तो अगर मेरे पास कोई ACL है जैसे कि इन नाम है तो उसको मुझे अप्लाई करना है, तो एक्सेस ग्रुप इन 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 इनसाइड, ठीक है, जिसमें से ये इन मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ये क्या है, इंटरफेस। आया समझ में, चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब टास्क लिखते हैं, आप बताओ कि कैसे करेंगे टास्क को। कंफिगर AS7 सो दैट R1 कैन पिंग R2 एंड R3। चलो पहले सिंपल सा रख लेते हैं, R3 को पिंग कर पाए, ये टास्क है। भपिन क्या टास्क है समझाओ। R1 R3 को पिंग कर सके, इसके लिए हमें क्या करना है, फायरवॉल पे कुछ कॉन्फ़िगर करना है। अब हम सभी को पता है अगर मैं बाय डिफॉल्ट R1 से R3 को पिंग कर दूं तो पिंग नहीं होगा। एक बार मैं आपको कंफर्म करके दिखा देता हूं। कंफर्म करने से पहले आई थिंक मेरे फायरवॉल पर इंटरफेस, एक मिनट रुकना, तीनों डिवाइसेस का कंसोल ले लेते हैं। तो R1 से अगर मैं R3 पिंग करता हूं तो पिंग, सॉरी अभी मैंने IP बदल दी है ना,
अगर आपको याद हो अभी तक हमारे जितने भी प्रैक्टिकल थे उसमें आईपी क्या थे, 1.1, 2.1 और 3.1। तो चलो एक बार मैं आईपी ही सेम कर देता हूँ, या फिर आईपी को यही रहने दो, R3 पर मैं एक राउट ऐड कर देता हूँ ताकि रीचेबिलिटी हो जाए। अभी भी अगर आप पिंग करोगे 101.1.1 को तो पिंग नहीं होगा। ठीक है, अब आपको फायरवॉल पर क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन करने जिससे कि R1 R3 को पिंग कर पाए। धनंजय ये बताओ, अगर मैं R1 से R3 को पिंग करता हूं तो पैकेट कौन से इंटरफेस पर ड्रॉप हो रहा है? आपका राइट कि मेरा राइट? आउटसाइड इंटरफेस पे है ना, ये वाला इंटरफेस। ठीक है, आप बताओ कहां पर ड्रॉप हो रहा है पैकेट? आउटसाइड इंटरफेस पर। अब अगर मुझे ट्रैफिक परमिट करना है तो कौन से इंटरफेस पर करना पड़ेगा? आउटसाइड पर। मतलब अगर मुझे कोई ACL को अप्लाई करना है, क्रिएट करना है, तो कौन से इंटरफेस पर होगा? पहले आपको जब भी कोई टास्क मिले, पहले आपको फिगर आउट करने की, अच्छा ये ACL कौन से इंटरफेस पर लगनी चाहिए। पैकेट को ले जाकर देखो कि अच्छा ये पैकेट कहाँ पर ड्रॉप हो रहा है। तो पहले हमने फिगर आउट कर लिया कि अच्छा अगर मैं R1 से R3 को पिंग करता हूं तो पैकेट आउटसाइड इंटरफेस पर ड्रॉप हो रहा है। अब ये बताओ एक्सेस लिस्ट क्या बनाएंगे हम? अभिषेक, एक्सेस लिस्ट। अब ये ACL हम आउटसाइड पे अप्लाई करेंगे तो नाम दे दिया आउट, फिर परमिट करेंगे ICMP किस आईपी से किस आईपी के लिए? सही है, और इसको अप्लाई कर देंगे एक्सेस ग्रुप आउट इन इंटरफेस आउटसाइड। ठीक है, कंट्रोल है, कंट्रोल सी। अभी के लिए चलता है, पहला तो टास्क है ये। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर तो कुछ नहीं दिख रहा, ये कहाँ से आ गया? ठीक है, अब अगर आप पिंग करोगे तो पिंग हो जाएगा, सिंपल। मुश्किल है? ठीक है, फिर अगला टास्क। तो फिर ACL का पढ़ नहीं पाएंगे ना। कॉन्फिगर AS7 सो दैट R2 कैन पिंग R1 एज वेल एज R3। आप बताओ, अच्छा पहले ये बताओ ACL कौन से इंटरफेस पर लगाओगे? DMZ जो इन भाई के साथ बैठे हैं। इनसाइड और आउटसाइड जो रेड्डी के साथ बैठे हैं भाई, DMZ संदीप, DMZ एंड आउटसाइड पवन, सर DMZ एंड आउटसाइड, DMZ एंड आउटसाइड लक्ष्मण, DMZ आउटसाइड
इनसाइट नॉर्मल से हाई जाना ना। अब देखो टास्क क्या है, पढ़ो। R2 से पिंग करना है R1, तो पहले इतने पार्ट के लिए देखते हैं। R2 से R1, अगर मैं R2 से R1 पिंग करता हूं तो क्या बाय डिफॉल्ट पिंग होगा? नहीं होगा, ट्रैफिक आएगा यहां पर और यहीं पर क्या हो जाएगा? ड्रॉप। तो मुझे ट्रैफिक अगर R2 से R1 को पिंग कराना है तो ट्रैफिक को पास कराना पड़ेगा, है कि नहीं? तो अगर मुझे R2 से R1 को पिंग करना है तो ट्रैफिक मुझे कहां परमिट करना पड़ेगा? यहां पर या फिर यहां पर? DMZ पर, क्योंकि ट्रैफिक अगर चला गया तो वापस तो आ ही जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक जब आएगा वापस हायर टू लोअर। तो अगर मुझे R2 से R1 को पिंग करना है तो ACL लगेगी DMZ पर, और जिसमें कि सोर्स आईपी होगा 2.1 और डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा? 1.1। इतना क्लियर? तो इस टास्क के लिए एक तो ACL लगेगी DMZ पर, एक्सेस लिस्ट DMZ परमिट ICMP होस्ट 2.1 टू ICMP होस्ट 1.1, एक्सेस ग्रुप आउट इन इंटरफेस DMZ इन इंटरफेस। ब्रेक का टाइम हो गया क्या? ठीक है, एक तो ये ACL, उसके बाद टास्क क्या है? R2 से किसको पिंग करना है? अब अगर मैं R2 से R3 को पिंग करता हूं तो ट्रैफिक चला जाएगा, लेकिन ट्रैफिक वापस नहीं आएगा, तो ACL कहां लगानी पड़ेगी? आउटसाइड पे। अब आउटसाइड पे मेरे पास पहले से एक ACL लगी हुई है, तो इसी के अंदर मैं क्या कर दूंगा? एक एंट्री को ऐड, दोबारा से अप्लाई नहीं करना। कल से क्लासरूम सीधरी है, ठीक है, ये सात बार। डन सर, एक डाउट है सर, ये जो डीएम ये अपन जो करेंगे ना पिंग सर, आर टू से आर वन करेंगे तो डीएम जेड का तो सिक्योरिटी जो 50 वन जो आर वन है जिसका इनसाइड है उसको 100 है सर, तो डीएम जेड से तो पास होते हुए सर बहुत जब आर वन तक पहुंचेगा ना 100 वाटर तो पैकेट ड्रॉप होना चाहिए ना सर। क्यों? वाटर 50 है तो उसका इनसाइड जो सिक्योरिटी है जिस पे अप्लाई है वहीं पे तो ड्रॉप होगा ना। तो पैकेट अगर मैं R2 से R1 को पिंग करता तो ड्रॉप कहां पर होगा? यहां पर या फिर यहां पर? यू नीड टू रिवाइज योर डिफॉल्ट बिहेवियर, देन आस्क दिस क्वेश्चन अगेन। डिफॉल्ट बिहेवियर क्लियर नहीं है आपको? अगर मैं ट्रैफिक सेंड करता हूं R2 से R1 तो फायरवॉल के पास ट्रैफिक आएगा, हाँ, तो ये ट्रैफिक DMZ से आउटसाइड इनसाइड जा रहा है। DMZ का सिक्योरिटी लेवल कितना है? क्यों, ऐसा थोड़ी कुछ है? नहीं नहीं, तुम गलती समझ रहे हो कुछ। देखो, जब भी फायरवॉल के पास कोई ट्रैफिक आएगा, फायरवॉल ये देखेगा कि अच्छा इंग्रेस इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल कितना है और ईग्रेस इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल कितना है, कंपेयर करेगा दोनों सिक्योरिटी लेवल को। अगर हायर टू लोअर जा रहा है तो अलाउ कर देगा, लोअर टू हायर है तो डिनाई कर देगा। वो तो सर क्लियर है, वो क्लियर है, तो सर आप कंफ्यूज नहीं हो पा रहे। यहाँ से ट्रैफिक आया फायरवॉल तक पहुंच जाएगा, बिल्कुल सर। तो यहीं पर ड्रॉप हो जाएगा, यहीं पर लोअर टू हायर ट्रैफिक जा ही नहीं सकता, मतलब तुम यहाँ से यहाँ यहाँ जाके ड्रॉप करवा रहे हो, तो फायदा ही क्या? इतने से में क्या हो जाएगा? पैकेट को प्रोसेस करने का फायदा क्या? अगर पैकेट देखो ना, लॉजिकली एक्चुअली यहीं पर ड्रॉप होगा जिस इंटरफेस पर पैकेट रिसीव किया, क्योंकि जैसे ही पैकेट रिसीव होता उसी टाइम पे चेक कर लेता है फायरवॉल कि अच्छा भाई अब मैं ये पैकेट फॉरवर्ड करूं या नहीं करूं। तो अब ये ACL लगाने के बाद अगर मैं R2 से R1 को पिंग करता हूँ हो जाएगा, R2 से R3 को पिंग करता हूँ
हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। नहीं हुआ तो छुट्टी हो गया। अरे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, कर रहे छुट्टी। चलो अब रुको 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 रुको, सबसे पहले बोला छुट्टी के लिए पुनीत ने, नहीं बोला। अब ये बताओ, ट्रबल शूट करो, मान लेते हैं ये आपका इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये सिनेरियो कॉन्फिगर्ड है, आपने ACL भी लगा दी, R2 से R3 को पिंग किया, पिंग नहीं हुआ, बताओ क्यों नहीं हुआ, बता दोगे तो छुट्टी। कोई भी बता दो, नहीं तुम रुको, हाँ भाई कोई भी बता दो तुम में से कोई भी। चलो 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद करते हैं कंटिन्यू। देखो अब बात आते हैं ट्रबल शूट की, आप कैसे ट्रबल शूट करोगे। लेकिन अभी ये जो ट्रबल शूट है इसमें केवल डिफॉल्ट बिहेवियर यूज नहीं हो रहा, कोई नई चीज भी ऐड हो गई। जैसे कि आप सभी को पता है अभी मैं कहां से कहां पिंग नहीं कर पा रहा, अगर मैं R2 से R1 को पिंग कर रहा हूं इसका मतलब R2 पर डिफॉल्ट राउट होगा। लेकिन R2 से R3 पिंग नहीं हो रहा, लेकिन मैंने आउटसाइड इंटरफेस पर ACL लगाई है। अब अगर मैं R2 से R3 को पिंग करता हूं और R3 पर डीबग इनेबल करता हूं, R3 तक कोई पैकेट नहीं पहुंचेगा, इसका मतलब पैकेट आते वक्त क्या हो रहा है, ड्रॉप, जाते वक्त नहीं ड्रॉप हो रहा। और आते वक्त क्यों ड्रॉप हो रहा है, अब इस इंटरफेस पर मैंने क्या लगा दिया, एक ACL जिसमें कि केवल क्या ट्रैफिक परमिट है 2.1 से 1.1। अब किसी इंटरफेस पर अगर ACL होती है तो उस इंटरफेस पर कोई ट्रैफिक अगर आता है तो वो किससे मैच होना चाहिए, ACL से। अब डिफॉल्ट बिहेवियर तो रहा नहीं, डिफॉल्ट बिहेवियर का मतलब कि अगर कोई ACL अप्लाइड ना हो, अब ACL अप्लाई हो गई, अब अगर मैं ट्रैफिक सेंड कर रहा हूं 2.1 से 1.0.1 के लिए, ये ट्रैफिक के लिए कोई ACL है ही नहीं, तो ट्रैफिक कहां पर ड्रॉप हो जा रहा है, 0/1 पर। समझ में आया कि अगर किसी इंटरफेस पर ACL लगी है तो उस इंटरफेस से जो भी ट्रैफिक आएगा कैसा ट्रैफिक, इनिशिएटिंग रिप्लाई ट्रैफिक के लिए तो मैंने बता दिया था आपको बाईपास हो जाती है स्टेटफुल इंस्पेक्शन हो तो। तो अगर जो भी इनिशिएटिंग ट्रैफिक आएगा उसके लिए क्या चेक होगी, ACL। ठीक है, किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछ लो, क्योंकि अगले 2-3 सवाल इसी के ऊपर होंगे। अगर किसी इंटरफेस पर ACL लगी है तो जो भी ट्रैफिक उस इंटरफेस से इनिशिएट होता है वो ACL में मैच होना जरूरी है परमिट स्टेटमेंट के साथ, नहीं तो ट्रैफिक ड्रॉप हो जाएगा। राउटिंग पहले चेक होता है, लिख देता हूं जो पॉइंट मैंने अभी आपको बताया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। If an access list is applied on an interface of ASA, for that interface, default behavior will not work for any initiating traffic. Any traffic will only be permitted if traffic is permitted in ACL. ठीक है, कंफ्यूजिंग लग रहा है तो थोड़ा कंफ्यूज करें आपको, कुछ ऐसी चीज दिखाएं पढ़ाएं, तुम कहोगे ये है क्या, नॉट रिलेटेड टू नेटवर्किंग है। तब ये तो समझ में आ गया होगा। तो अगर किसी इंटरफेस पर अगर ACL लग गया तो सारा ट्रैफिक ACL से परमिट होना चाहिए, कैसा ट्रैफिक, इनिशिएटिंग ट्रैफिक। तो चलो अब सवाल पूछते हैं और फिर छुट्टी। ACL बना लिया, ACL को अप्लाई कर दिया, अब
सवाल जवाब। अभी मान के चलो मैंने किसी इंटरफेस पर कोई एसीएल नहीं लगा रखी, ठीक है, किसी भी फायरवॉल के इंटरफेस पर कोई एसीएल नहीं है, जिससे पूछा जाए वही बताए। ऐसा कोई किसी को समझ में ना आया हो, पहले क्लियर कर लें। ओके, नाउ दिस इज द एसीएल विच आई एम अप्लाइंग, और ये एसीएल मैं अप्लाई कर रहा हूँ। किस इंटरफेस पर? इनसाइड इंटरफेस पर, अपने मतलब माइंड में डिफॉल्ट बिहेवियर भी रखना है आपको, और जो मैं अभी मैंने पॉइंट लिखवाया था वो भी रखना है। आपका नाम सुगंध। क्या? सुगंध आप बताओ कि क्या मैं R1 से R3 को पिंग कर पाऊंगा, यस और नो? मेक इट सिंपल। नहीं बता रहे क्या? देखो मैंने यस और नो पूछा था, तुम एक्सप्लेनेशन करने देने लग गए। हाँ भाई, नो। आकाश, नो। चलो भाई, अब सभी कह रहे हैं नो तो नो ही होगा। ये भाई जो बैठे हैं आप, हाँ रुको रुको, अगला सवाल पूछ रहे हैं। ये एसीएल यही अप्लाइड है क्या? R1 से R2 टेलनेट होगा, वही बताना है, यस और नो? रोहित, हो जाएगा। आप बताओ सबसे पीछे, नहीं होगा। लक्ष्मण, नहीं बराबरी हो गई यस और नो की। जो आदित्य के आगे बैठे हैं भाई, हो जाएगा। धनंजय, अरे भाई सब यस आगे निकल गया। ऑनलाइन से पूछते हैं, बताओ। मोहम्मद बिलाल, हो जाएगा। सबको भीड़ के साथ जाना पसंद होता है। चंद्रेश, पवन, नहीं होगा। संदीप, क्या यार, मुझे लगा अब यही लाइन बढ़ती रहेगी। हाँ तुम बताओ, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब ट्रैफिक यहां से आएगा, अब फायरवॉल को इससे फर्क नहीं पड़ता, टीसीपी है, यूडीपी है, इस इंटरफेस पर क्या है, तो इस इंटरफेस पर क्या नहीं अप्लाई होगा? डिफॉल्ट बिहेवियर। इस इंटरफेस पर अगर ट्रैफिक आया है, एसीएल है, तो वो एसीएल से मैच होना चाहिए। क्या कोई टीसीपी की परमिट स्टेटमेंट है, तो ट्रैफिक क्या हो जाएगा, देना है, तो टेलनेट नहीं हो पाएगा। अभिषेक, आंसर जवाब सही हुआ, क्लास खत्म। R2 से R3 टेलनेट हो जाएगा। रुको भाई रुको, नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं। R2 से R3 टैलेंट हो जाएगा, यस और नो? आप बताओ। संदीप, हो जाएगा। यस,
धनंजय क्यों हो जाएगा अभिषेक? क्योंकि आर टू से जब ट्रैफिक आएगा क्या डीएमजेड पर कोई एसीएल है? नहीं, तो ट्रैफिक चला जाएगा। और टीसी भी ट्रैफिक है तो क्या हो जाएगा? इंस्पेक्ट। ये सवाल आपसे इसीलिए पूछे जा रहे हैं ताकि जब आप कोई इंटरव्यू दो या फिर जब आप प्रिपरेशन करो तो आपको पढ़ाई बस इस तरीके से नहीं करनी जैसे मैंने पढ़ाया बस पढ़ ली, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको उसे उसे एज ए क्वेश्चन में कन्वर्ट करके समझना है कि अच्छा डिफॉल्ट बिहेवियर ये होता है तो सर ने कुछ क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर क्या होगा। आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन समझ गए तो आप आंसर बता पाओगे। क्वेश्चन ही नहीं समझा, दिमाग में कुछ और चल रहा है तो फिर हो गया काम। ठीक है, कैसा ट्रैफिक था? आईसीएमपी के आईसीएमपी बाय डिफॉल्ट इंस्पेक्ट होता है तो परमिट से स्टेटफुल बिहेवियर थोड़ी हो गया। वो पहले वाला टास्क पूछ रहा है। अब चलो एक आखिरी सवाल, पहले बच्चे ने अगर सही बता दिया तो क्लास ओवर। अब जानबूझकर मत करना कि इस क्लास ही बढ़ाते रहो। अब क्या करते हैं, डिनाई टीसीपी कलर ठीक नहीं है ये। डिनाई टीसीपी यानी इन इंटरफेस इनसाइड और आउटसाइड पर भी एक एसएल लगाते हैं, परमिट टीसीपी एनी परमिट आईसीएमपी एनी इन इंटरफेस आउटसाइड। ये लास्ट राउंड है, फाइनल राउंड है ये गेम का। चलो लक्ष्मण से पूछते हैं। सवाल ये है, एक सवाल नहीं पूछा जाएगा, फाइनल राउंड है ना। पहला सवाल, क्या आर थ्री से आर वन पिंग हो जाएगा, यस और नो? यस सर, क्यों नहीं होगा? रोहित नहीं होगा, टोपी वाले भाई नहीं होगा, पुनीत अच्छा नहीं होगा, नहीं होगा, लक्ष्मण रुको ना, पहला सवाल गलत तुम्हारा। अगला सवाल, अगर मैं आर थ्री से आर वन को टेलनेट करता हूं तो टेलनेट होगा? टेलनेट पवन हो जाएगा, पुनीत अच्छा गेम है ना ये, सीसीए ने सिक्योरिटी वाले। और कौन है सीसीए ने सिक्योरिटी? संदीप। अरे भाई साहब, रोहित क्या बात है, आकाश अरे भाई साहब। अब ये है मेरा आंसर, यार बताया तो। अब तुम एक ही पॉइंट को पकड़ के बैठ गए जो अभी लिखवाया था। सारी चीजों को मिक्स करके रखना है ना। देखो अगर आपको याद हो पहले वाले टास्क में मैंने पिंग करना था आर थ्री से आर वन, तो लक्ष्मण जी ने बोला था कि पिंग हो जाएगा, है ना, यही बोला था। क्योंकि इन्होंने, अब आंसर उनका गलत था, पिंग नहीं होगा क्योंकि आईसीएमपी स्टेटफुल नहीं है। आपको पैकेट को लेके जाना है, पैकेट को लेके आना है। आईसीएमपी ट्रैफिक यहां पर आएगा क्या, इस इंटरफेस पर कोई एसीएल है? ओ भाई ये क्या है।
परमिट है, ट्रैफिक चला जाएगा, लेकिन आईसीएमपी स्टेट फुल नहीं है। पैकेट जब वापस आएगा इस इंटरफेस पर कोई ईसीएल है क्या? आईसीएमपी परमिट है नहीं, ट्रैफिक यहाँ पर डिलो डिनाई हो जाएगा। ये जो टास्क मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे ना, रिकॉर्ड हो रहा है तो आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। इसके बाद अगला सवाल था R3 से R1 टैलेंट, जिसमें कि सबका आंसर गलत था, एक ने यस बोला था बस, कौन था वो? ठीक है, R3 से R1 को मैं अगर टैलेंट करूंगा तो टीसीबी ट्रैफिक आएगा यहां पर आउटसाइड पर, क्या टीसीबी ट्रैफिक परमिट है? मतलब ट्रैफिक चला जाएगा, और टीसीबी स्टेटफुल होता है, स्टेटफुल का मतलब जब ट्रैफिक जाएगा तो वहां भी जाएगा। तुम भूल गए जब हमने क्लास स्टार्ट की थी तो ये क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, स्टेटफुल बिहेवियर बताया था मैंने स्टार्टिंग में, ये क्वेश्चन भी था स्टेटफुल बिहेवियर वाला, वो साइड में जो लिखा है। अरे प्लेन टेक्स्ट हो या फिर सिक्योर हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे रुको 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 रुको, हार गए तुम। हाँ उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं। हाँ भविन, अगर पैकेट इंस्पेक्ट हुआ है तो क्यों चेक होगा? मैंने आपको बताया था ना टीसीपी यूडीपी इज इंस्पेक्टेड, इसका मतलब क्या है? ट्रैफिक अगर फायरवॉल से चला गया तो रिप्लाई तो आएगा ही आएगा, देयर इज नो वे बाय व्हिच यू कैन। अगर ट्रैफिक, देखो याद रखना, अभी तक मैंने आपको क्या बताया था कि इनसाइड से आउटसाइड इंस्पेक्ट होता है, ऐसा नहीं है। फायरवॉल पे अगर कोई भी टीसीपी ट्रैफिक, अगर आपको याद हो डिफॉल्ट बिहेवियर में ये चौथा पॉइंट में कभी ये नहीं लिखा कि इनसाइड से आउटसाइड इंस्पेक्ट होगा। अगर टीसीपी यूडीपी ट्रैफिक पास होता है तो वो इंस्पेक्ट होगा, चाहे इनसाइड से आउटसाइड जाए चाहे आउटसाइड से इनसाइड। अगर इनसाइड से आउटसाइड चला गया तो रिप्लाई ट्रैफिक तो आएगा ही आएगा, देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन। उसी तरीके से अगर आउटसाइड से इनसाइड टीसीपी ट्रैफिक चला गया तो रिप्लाई तो आएगा ही आएगा। नहीं, अगर कोई भी पैकेट, ये आप लिख लेना, याद कर लेना, जो डिफॉल्ट बिहेवियर का चौथा पॉइंट है ना उसमें लिख लेना, देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन फॉर टीसीपी एंड यूडीपी रिप्लाई ट्रैफिक। टीसीपी यूडीपी रिप्लाई ट्रैफिक हमेशा क्या होगा? अलाउ, बिकॉज इट इज इंस्पेक्टेड। सर जो दो स्टेटमेंट चल रही है इनका सीक्वेंस नंबर भी होगा यहां पे? हां 1-2 होता है बाय डिफॉल्ट। एक सर यानी कि जैसे सर अगर हमें बीच में कोई लाइन कीवर्ड होता है, लाइन कीवर्ड होता है एक्सेस लिस्ट नाम के बाद लाइन कीवर्ड होता है, जैसे हमारा राउट पे 10 का था, ये देखो यहां पर लाइन कीवर्ड होता है तो लाइन नंबर बता सकते हो, उसमें 10 का था, इसमें 1-2-3-4-5 रहता है, तो बीच में डिनाई स्टेटमेंट नहीं चला सकते परमिट के? आप चला सकते हैं ना, जब जैसे यहाँ पर दो एंट्री है 1 और 2, 2 के ऊपर मेरे को एंट्री ऐड करनी है तो 2 पे मैं एक एंट्री ऐड कर दूंगा, तब मेरे को 2 पे ऐड करनी है तो मैं एक नई एंट्री ऐड कर दूंगा। पहले अगर हमारा जो ट्रैफिक अलाउ कर दिया परमिट हो गया तो उसके बाद डिनाई होगा नहीं, तो पहली एंट्री ऐड कर दो, लाइन 1 कर दो, चेंज करनी पड़ेगी ना, पहले वाली अपने आप दूसरे पे चली जाएगी। अगर मैंने लाइन 1 पे ऐड किया तो जो पहले पे एंट्री है ना वो दूसरे पे अपने आप चली जाएगी। दूसरी, तीसरी, हाँ चलो भाई, मतलब राउटर पे तो ऐसे अलग है। हाँ